हाय गाइस, दिस इज वीवो एंड यू आर वाचिंग मी ऑन इंडिया रेव्स। गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं टाटा टियागो के टॉप वेरिएंट के बारे में, क्या क्या चीजें ये ऑफर करती हैं, कौन कौन से फीचर्स इस गाड़ी के अंदर आते हैं, ये लेना लायक ऑप्शन है कि नहीं है। आप अगर चैनल पर पहली बार हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग जो है वो डिटेल्ड ओवरव्यू इस गाड़ी का देने वाले हैं, और जस्ट इन केस आप दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करते हैं, नई गाड़ियां यहां पर खरीदना चाहते हैं, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी प्रोवाइडिंग यू विद द बेस्ट डील एंड क्विकेस्ट डिलीवरी ऑन योर कार। तो जल्दी से नीचे दिए गए लिंक को जो है वो यहाँ पर भर दीजिए और मेरे इंतजार कीजिए मेरे फोन का। तो जल्दी स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और लेके चलते हैं सीधा आपको फ्रंट प्रोफाइल पे। तो जी चलते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल पे, और फ्रंट प्रोफाइल में कैसी लग रही है गाड़ी ये देखो, कुछ इस तरीके की गाड़ी आपको जो है वो लगने वाली है। उससे पहले जो है मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ की फॉब, ये रही कुछ इस तरीके की फॉब, लॉक, फॉलो मी लैंप्स एंड साथ ही अनलॉक का बटन जो है वो यहाँ पर आपको दिया गया है। फॉलो मी लैंप्स जो है मैं यहाँ पर ऑफ कर देता हूँ, और आप दो बार क्लिक करोगे तो ये ऑन हो जाएगी, तो कुछ इस तरीके से ऑन होती है। और यहाँ पर अगर आपको लेके चलूँ स्ट्रेट अवे, तो यहाँ पर आप आईब्रो देखोगे, ब्लैक कलर की आईब्रो, यहाँ पे टर्न इंडिकेटर एंड यहाँ पे जो है वो हेलोजन लाइट दी गई है, काफी अच्छी है, नीटली पैक्ड है, डिजाइन भी काफी अच्छा है, अल्ट्रोस जैसा जो है वो डिजाइन दिया गया है। क्रोम एलिमेंट आपको यहाँ से होता हुआ आगे तक दिखाई देगा एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है गाइस। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो फॉग लैंप यूनिट आपको दिखाई देगी जो कि क्रोम फिनिशिंग के साथ में, एंड यहाँ पे जो है वो पियानो फिनिशिंग दी गई है। इनफैक्ट जो इसकी ग्रिल है वो भी काफी टाटा इंस्पायर्ड है, इसके अंदर जो है वो एलिमेंट्स है ऐसे एरो एरो करके टाटा का लोगो, और नीचे अगर आप देखेंगे तो एयर डैम यहाँ पर जो है वो दिया गया है। काफी अच्छी सी ग्राउंड क्लियरेंस भी ये गाड़ी ऑफर यहाँ पर करती है। स्कर्ट देखिए, यहाँ पर स्कर्ट भी जो है वो दी गई है, काफी अच्छी लग रही है। तो ये तो कुछ हो गया फ्रंट प्रोफाइल गाइस, चलता हूँ लेके आपको इसके साइड प्रोफाइल पे, और साइड प्रोफाइल से गाड़ी कैसी लग रही है यहाँ पर आप देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से जो है वो साइड प्रोफाइल आपको यहाँ पर गाड़ी की देखने को मिलेगी, जो कि डायमंड कट अलॉय व्हील्स के साथ में आती है, और बहुत ही सेक्सी से इसके डायमंड कट अलॉय व्हील्स लग रहे हैं, जो 175/60 रेडियल 15 इंचेस के साथ में आते हैं। अगर आप इसका एक्सट्री वेरिएंट ले रहे हैं तो रेडियल 14 इंचेस के साथ में आते हैं, लेकिन ये डायमंड कट जो है वो काफी अमेजिंग लग रहे हैं। और टर्न इंडिकेटर्स जो है वो आपको हालांकि ओवरव्यू में मेंशन है, और सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन दोबारा से मैं आपको नीचे पोर्शन पे लेके चलूंगा। ये वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, साथ ही जो है वो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो वो मैकफर्सन स्ट्रट और प्लास्टिक की क्लैडिंग अंदर, ताकि मेटल जो है वो फालतू का एक्सपोज ना हो। यहाँ पर जो है वो बी पिलर एंड सी पिलर, ये दो ब्लैकआउट किए गए हैं, बाकी जितने भी पिलर्स हैं उनको वाइट ही रखा गया है गाइस। यहाँ पर पियानो फिनिशिंग के साथ में ये ओआरवीएम जो है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्ट हो जाता है, जैसे मैं इसको अनलॉक करूंगा तो ये खुल जाएगा। साथ ही ये जो बॉडी कलर ही जो है वो आपको ग्रैब हैंडल भी देखने को नजर आएंगे, डोर ओपनर्स भी देखने को नजर आने वाले हैं। पीछे लेके चलता हूँ गाइस, कुछ इस तरीके की प्रोफाइल आपको रियर की देखने को नजर आएगी, काफी अच्छी लगती है। हालांकि ये हैलोजन ही है, ये एलईडी नहीं है, हैलोजन यूनिट यहाँ पे, टर्न इंडिकेटर एंड रिवर्स लाइट आपको यहाँ देखने को नजर आने वाले हैं, दो पार्किंग सेंसर जो है वो नीचे, और डुअल टोन ट्रीटमेंट के साथ ऑफर होने वाली ये जो बम्पर है वो यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर दिया गया है, ब्लैक कलर का एलिमेंट जो है वो काफी अच्छा लग रहा है। और थोड़ा सा अगर आपको ऊपर लेके चलूँ तो डिफॉगर यूनिट यहाँ पे, एक वाइपर का साइड इधर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप एंड एक ब्लैक कलर का एलिमेंट यहाँ पर ऑफर होता हुआ नजर आता है। बाय द वे मैं आप भूल गया, और यहाँ पे आपको दिखाना भूल गया कि ये जो सेंटर एंटीना है ये काफी अच्छा लग रहा है, एंड इसकी जगह अगर शार्क फिन आता तो मैं ज्यादा अप्रिशिएट करता। एनीवे, गाड़ी के अंदर लेके चलता हूँ इसी साइड से, और करते हैं पहले तो गाड़ी को अनलॉक, देयर वी गो। और मैंने ये किया इंग्रेस यहाँ पे, और इंग्रेस करने में मुझे कोई भी ऐसा मशक्कत नहीं हुई। पहले लाइट जला लेता हूँ बिकॉज मुझे पता है कि थोड़ा सा शाम हो रहा है, तो कैमरा क्वालिटी में जो है वो थोड़ा अंतर नज़र आ सकता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पहले तो मैं इसकी एक्टिव कीलेस एंट्री जो है वो यहाँ पर लगा दूँगा, जिससे नॉट पैसिव तो एक्टिव है। और जैसे ही मैं गाड़ी को स्टार्ट करूँगा तो काफ़ी स्मूथ इसका जो है वो स्टेयरिंग है। तो कुछ इस तरीके का इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको यहाँ मिलेगा, हर्मन कार्टन का ही इंफोटेनमेंट सिस्टम है, टाटा एंड कनेक्ट नेक्स्ट टेक्नोलॉजी के साथ में, कनेक्टेड बाय हर्मन। फिलहाल तो मैं इसको क्लोज करता हूँ, एंड एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स जो है वो इसके अंदर आने वाली है। अच्छा है, टच रिस्पॉन्स भी काफ़ी ठीक है, और लैग ज़्यादा नहीं है, बट ठीक है स्टिल, अपने सेगमेंट में इतना अच्छा टच रिस्पॉन्स नहीं है, ओके है। कंपैरेटिवली जो है वो थोड़ा सा वीक मुझे लगा, लेकिन ओवरऑल इट्स अ नाइस इंफोटेनमेंट सिस्टम। यहाँ पर डिफॉगर का यूनिट, लॉक अनलॉक का बटन यहाँ पे, एसी के क्लाइमेट कंट्रोल जो कि ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल है, ये वाले टाइल्स जो हैं वो काफ़ी आपको अलग नज़र आने वाले हैं जो इसके छोटे वाले ट्रिम्स हैं उनसे। यहाँ पर कुछ यूनिट्स दिए गए हैं, मोड्स दिए गए हैं, यहाँ पे यूएसबी, ऑक्स एंड 12 वोल्ट का डीसी सप्लाई के साथ में, कुछ यूटिलिटी स्पेस इधर, कुछ यूटिलिटी स्पेस इधर, एंड ये रहा आपका ब्रेक। अगर आप यहाँ देखेंगे तो फेदर भी जो है अच्छा यूज़ किया गया है, एंड टाटा के जो है वो सिग्नेचर लोगो आपको देखने को नज़र आएगा। ड्रॉप डाउन ग्लव बॉक्स जिसके अंदर अच्छी खासी स्पेस आपको ये जो है गाड़ी ऑफर करती है, और साथ ही एक पार्सल ट्रे
या फिर ट्रे इसको कह सकते हैं, नॉट पार्सल ट्रे, तो इसको बंद करते हैं। IRVM जो है वो आपको मैनुअली देखने को नज़र आने वाला है, यहाँ पर जो है वो कार्ड होल्डर देखने को नज़र आएगा माइक के साथ में, एंड साथ ही आप यहाँ पे जो है वो एक मिरर देखेंगे। तो फिलहाल तो अगर मैं आपको स्पीडोमीटर दिखाऊं या फिर इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिखाऊं यहाँ पे, तो कुछ इस तरीके का आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाई देगा, जो कि RPM मीटर लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जो है वो टेम्परेचर गॉज एंड फ्यूल गॉज, और साथ ही बीच में स्पीडोमीटर देखने को नजर आने वाला है, जिसके कंट्रोल्स एक्चुअली यहाँ पे दिए गए हैं। राइट साइड कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया गया है, इसमें कुछ भी पार्ट एज सच नहीं है। तो पीछे चलते हैं और देखते हैं कि कैसी स्पेसिंग इसके अंदर ऑफर की गई है। सो गाइस, इंक्रेस करता हूँ मैं इधर से भी, और कुछ इस तरीके का स्पेस आप यहाँ पर चेक कर पा रहे होंगे, डिसेंट लेग रूम आपको यहाँ पर जो है वो ऑफर होती है। साथ ही आपको यहाँ पर आपको देखने को नज़र आने वाली है अच्छा खासा हेडरूम, जो कि 5 फिंगर्स के साथ में आता है। एंड यहाँ अगर आप देखेंगे तो शोल्डर रूम भी आपको अच्छा खासा मिलता है, हालांकि वैनिटी लाइट जो है वो शेयरेबल है, मुझे लगा कि आगे पीछे दोनों जो है वो इंडिपेंडेंट होती ज़्यादा बेटर होती। ग्रैब हैंडल यहाँ पे, एंड शोल्डर रूम को जिस तरीके का अंडर थाई सपोर्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस गाड़ी का, एंड लेग रूम भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। टनल हालांकि बड़ा सा दिया गया है, तो ये थोड़ा सा मुझे लगा कि टनल आपको यहाँ दिया गया है। एंड जो है इसका टॉप वेरिएंट है, उसमें भी एडजस्टेबल नहीं दिए गए हैं, इससे थोड़ी सी मुझे टाटा से शिकायत है कि यहाँ पर तो एटलीस्ट एडजस्टेबल हेडरेस्ट आ जाने चाहिए थे। हेडरूम भी अच्छा है, उसमें भी कोई समस्या एज सच नहीं है गाइस। तो यस, ओवरऑल अगर मैं कंक्लूड करूं तो बहुत ही बेहतरीन पैकेज जो है वो टाटा ने यहाँ पे दिया है टियागो के साथ में, और जो फीचर्स इस गाड़ी के अंदर आती है, पहले से ये वैल्यू फॉर मनी काफ़ी कंसिडर की जाती थी, अब थोड़े से इसके अंदर जो है प्राइसिंग काफ़ी हाई हुए हैं, तो मुझे थोड़ा सा चुभता है ये बात कहते हुए कि हल्का सा अब जो है वैल्यू फॉर मनी जो इसके साथ में टैग जुड़ा था वो अब शायद अब यहाँ पर ना नज़र आए। तो यस, ये तो थी टाटा टियागो, कंक्लूड कर लेते हैं हम गाइस। सो गाइस, ये तो था एक क्विक ओवरव्यू, आपको ये गाड़ी खरीदनी चाहिए बिल्कुल, आप इसके छोटे वेरिएंट्स खरीद सकते हैं, मैं टॉप ट्रिम तक इन्वेस्ट करने के लिए मना करूंगा, क्योंकि बहुत सारे अच्छे ऑफरिंग अच्छे इंजन ऑप्शंस के साथ में आए थे, बट आप इसके छोटे वेरिएंट्स जरूर कंसिडर कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपको AMT चाहिए तो ये AMT में भी अवेलेबल है, बट हाँ इसका डीजल इंजन जो है यहाँ पर जरूर डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अभी हम लोग जो है वो आपकी क्वेरी थोड़ी सी ईजी कर देते हैं, और जस्ट इनकेस आप दिल्ली NCR से बिलोंग करते हैं और आप जानते हैं कि यहाँ पर क्विकेस्ट डिलीवरी एंड बेस्ट प्राइसेस के लिए मुझे अप्रोच कर सकते हैं, नीचे दिया गया है गूगल फॉर्म, जाके भरिए और क्विकेस्ट डिलीवरी और बेस्ट प्राइसेस भर भर के यहाँ पर उठाइए, बेस्ट डील्स बेस्ट ऑफर जो है वो मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ। मिलते हैं गाइस एक और नई वीडियो के साथ में, अंटिल फॉर द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार, ड्राइव सेफ गाइस।